आज का जब रेसिपी लेकर आए हैं, टेस्टी भी और हेल्दी भी लेकर आए हैं, एक बैटर बनाकर फ्रिज में स्टोर कीजिए एक वीक तक। इससे तरह तरह का नाश्ता बनाइए और बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। ये देखिए इडली जो लेकर आए हैं, एकदम स्पॉन्ज को जैसे निचोड़िएगा उस तरह निचोड़ दीजिए, फिर अपने स्टेप में ले जाएगा। इतना सॉफ्ट और स्पंजिंग हुआ। साथ में इसके लिए हम एक चटनी भी लेकर आए हैं और ये टेस्टी सा ये नाश्ता जो है, ये भी बच्चों को दीजिएगा लंच बॉक्स में, तो बच्चे ये भी चट करके खा जाएंगे। तो चलिए सभी कुछ आज की वीडियो में हम दिखाएंगे, तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी तक स्वता किचन को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाकर स्वता किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर, टोटल फ्री है। तो आज हम तीन तरह का नाश्ता लेकर आए हैं बच्चों को टिफिन में, एकदम चुटकी में बनने वाले। तो यहाँ पर तीन गिलास चावल लिए हैं और एक गिलास उड़ीद का दाल लिए हैं। तो तीन और एक का यहाँ पर रेशो रखेंगे। चावल में हम डालेंगे 1 टी स्पून मेथी दाना और अच्छे से चावल को साफ से हम 2 से 3 पानी से धो लेंगे और साथ में यहाँ पे उड़ीद दाल को भी धोकर रेडी कर लेते हैं। दाल को भी साफ से धो लिए हैं। अब इसमें हम पानी डबल करेंगे और इसको फूलने डालेंगे। इस पानी को हम क्या यूज करेंगे वो आगे आपको हम बताएंगे। इसको ढक के रखेंगे साइड में। इडली जो एकदम सॉफ्ट स्पंज की तरह जो बना है, जो वो सीक्रेट है। यहां जो साबूदाना लिए तो साबूदाना कोई भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा साइज कोई भी ले सकते हैं। तो हाफ कप लिए हैं, इसके भी साफ से धोकर रात में ही चावल दाल के साथ ही फूलने डाल देंगे। अब हम सुबह में पीसने समय यहाँ पे चूरा लिए हैं, तो एक कप से थोड़ा सा कम लिए, हाफ कप से ज़्यादा लिए हैं। इसे भी हम साफ से धोकर साइड में रखेंगे। चूरा को सुबह टाइम ही जब भी फूलने डाली, जब समय हमको चावल दाल पीसना है उसी समय फूलने डालिए। तब तक हम दाल चावल पीसेंगे तब तक मेरा चूरा तैयार हो जाएगा। तो चावल में से सभी पानी को हम निकाल लेंगे और दाल में का पानी आप निकाल के अलग रख सकते हैं, लेकिन अभी हम चावल पीसेंगे तो इसमें दाल में से पानी अभी नहीं निकाले हैं। तो चावल हम जितना भी मिक्सर जार में थोड़ा सा कम ही डालिएगा पीसते समय, और थोड़ा थोड़ा पानी हम जो लिए हैं दाल के ऊपर का जो पानी है अभी उसका हम यूज करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी उसी में से लेके चावल को एकदम हल्का सा दरदरा ही हमको पीसना, ज़्यादा फाइन पेस्ट की तरह नहीं पीसना है। सभी चावल पीस के रेडी कर लिए हैं, थोड़ा सा चावल बचा हो तो उसी में हम चूरा को और यहाँ पर साबूदाना को डाल देंगे, मिक्स कर देंगे और सभी को ये भी पीस कर रेडी कर लेंगे। पानी का जहाँ पर ज़रूरत होगा तो वहाँ पर हम जो दाल के ऊपर जो पानी है उसी को पानी को थोड़ा थोड़ा पानी हम यहाँ पर डालेंगे, उसी पानी को यूज करेंगे। वो फर्मेंट करने में बहुत मदद करता है, इसीलिए हम यहाँ पे दाल का ऊपर का जो पानी है उसको फेंके नहीं है और उसको ही यूज कर लिए। अब पानी हम छान लिए हैं दाल का पानी और दाल को भी पीस लेंगे। जो थोड़ा अपना पानी बचा हुआ है एक्स्ट्रा उसे छोड़ देंगे, बाकी जब जितना ज़रूरत होगा हमको पीसते समय पानी वो हम दाल के ऊपर का ही पानी को यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम दाल चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो 4 से 5 मिनट हम इसको फेंटेंगे। चार से पाँच मिनट हम इसको फेंट लेंगे। थिकनेस देख लीजिए, इतना ही रखना, इसे पतला नहीं करना है। और बैटर की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा था तो इसमें से हम और निकाल कर दूसरे बर्तन में रख लिए और इसको हम गर्मी में आपको 6 से 8 घंटा में ही खमीर आपको उठ जाएगा। तो इसको हम ढक के खमीर उठने तक इंतज़ार करेंगे। उत्पम के साथ एक हम खाने के लिए चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम नारियल लिए, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिए, फ्रेश नारियल है, तीखा टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम 3 हरी मिर्च डालें, 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक डालेंगे। तो यहाँ पर हम भुना हुआ चना यूज करेंगे। तो यहाँ पर छिलका हटा के आप यहाँ पर भुना हुआ चना डालेंगे। तो यहाँ पर भी वो भी 1/2 कप है, इसको अच्छे से हम
थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर नमक डाल के फिर से ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। चटनी के ऊपर एक हम तड़का डालेंगे, तो तेल डालें, उरीद की दाल 1 टीस्पून डालें, राई डालें 1 टीस्पून डालें, यहाँ पे सूखी मिर्ची डालें, कड़ी पत्ता डालें। अब चटनी के ऊपर हम ये तड़का डाल देंगे। चटनी मेरा रेडी है। अब मेरा 7 घंटा में ही खमीर इतना अच्छा हुआ, देख ही रहे हैं कि अब कितना अच्छा है। अब देख रही कितना जाली, कितना ये परफेक्ट एकदम खमीर उठा हुआ है इसमें, तो एकदम ढक्कन से बाहर गिर गया था, तो वो हम वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि मेरे घर में गेस्ट था, इसलिए नहीं लिए थे। तब जितना ज़रूरत है उतना हम दूसरे बॉल में निकाल लेंगे और टेस्ट के अनुसार नमक डाल के इसको हम मिक्स करके रखेंगे साइड में। बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स करके इसको रखेंगे साइड में। तो सब्जी अब अपने पसंद से, जो भी आपको पसंद हो सब्जी ले सकते हैं, जो पसंद ना हो इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हम गाजर लिए हैं, टमाटर लिए हैं, प्याज लिए हैं, और यहाँ पे शिमला मिर्च लिए हैं, और यहाँ पे हरी मिर्च लिए हैं। तो बच्चे के लिए बना दो, हरा मिर्च को स्किप कर सकते हैं। तो सभी सब्जी को मिक्स करके रखेंगे साइड में। इसमें नमक नहीं डालना है। अब गैस पर हम चढ़ाएंगे पैन। अब पैन में एक बूंद भी तेल नहीं देना, बिना तेल के जिसको खाना है तो बिना तेल के भी बना सकते हैं, आपको पलटने में कोई दिक्कत ना होगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो जिसे बिना तेल के बनाना है वो बना सकते थे। यहाँ पे जो सब्जी कटिंग करके उसको हम टॉपिंग ऊपर में कर देंगे, और यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे हम तेल डालेंगे। इसको ढक के बस 2 से 3 मिनट इसको रखेंगे। ऊपर से जब ड्राई हो जाए तो यहाँ पे 1/2 टीस्पून तेल और डालेंगे, इसको हम पलट लेंगे। अपम हम अपनी बेटी के लिए बना रहे हैं, जिसमें हम बटर डालेंगे। तो बटर को डालकर फिर 1 कलछुल डालेंगे। बटर अब कम ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें, और उसको अच्छे से फैला दें। बस पैन को थोड़ा सा हिलाइएगा, अच्छे से बटर फैल जाएगा। उसके ऊपर हम सब्जी का टॉपिंग डालेंगे। यहाँ पे आप पनीर का भी टॉपिंग डाल सकते हैं, बच्चे के लिए जो बनाना है, तो चीज़ के साथ भी उसके ऊपर आप चीज़ भी डाल सकते हैं। और फिर आप हल्का सा ड्राई होने के बाद हम फिर उसके ऊपर से डालेंगे बटर, और अच्छे से चारों साइड से ऊपर से पहले लगा देंगे, उसके बाद ही हम इसको पलट देंगे। जो बचा हुआ बटर उसको अंदर में डालकर अच्छे से एकदम क्रिस्पी करके शेक लेंगे। एकदम टेस्टी सा बटर के साथ बनता है ये अप्पम। बचा हुआ बटर है फ्रिज में रखे हुए थे, देखिए खमीर कितना अच्छा अभी तक है। तो उसमें से जितना ज़रूरत है उतना निकाल लेंगे, उसमें नमक मिलाएंगे। जो बचा हुआ बैटर उसमें नमक मत मिलाइए, जो भी आपको फ्रिज में स्टोर करना है उसमें नमक नहीं मिलाएंगे, जो जिसको बनाना है उसमें नमक मिलाइएगा। अब यहाँ पे इडली स्टैंड लेंगे, उसमें तेल लगा लेंगे। तेल लगाना जो मस्ट है, नहीं तेल लगाइएगा तो आपको इडली निकालने में दिक्कत हो सकती है। तो सभी इडली स्टैंड में हम बैटर डाल लेंगे, थोड़ा सा कम ही डालेंगे। पतीले में पानी गर्म होने के लिए डाल दिए थे, अब स्टैंड डाल के ढक के बस 5 मिनट में आपका इडली बनके रेडी हो गया। ये देखिए कितना फूला फूला ये इडली है। अब इसको बाहर निकाल के ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही आप इसको इडली मोल्ड से बाहर निकालिएगा। ये देखिए एकदम स्पॉन्ज, जो आप खाते हैं उसको जितना निचोड़ते हैं, ये देखिए उतना सॉफ्ट इडली बन के रेडी हुआ है, एकदम स्पॉन्ज की तरह। जितना इसको दबा दीजिए प्रेशर देकर, और फिर ऑटोमेटिक वो अपने शेप में ले लेगा। इतना सॉफ्ट इडली बन के रेडी हुआ है। तो ये ट्रिक से जो हम बताएं, इस ट्रिक से बनाइएगा तो एकदम सॉफ्ट बनेगा। ये टेस्टी सा नाश्ता खाने के लिए इसका तैयारी कर लेते हैं। तो गैस में पैन चढ़ाएंगे, पैन में 1 टीस्पून तेल डालेंगे, और 1 टीस्पून हम यहाँ पर डालेंगे चने के दाल, और 1 टीस्पून यहाँ पर डालेंगे उरीद के दाल, और 1 टीस्पून यहाँ पे राई डालेंगे। सभी को चटक जाने के बाद हम यहाँ पे मीडियम साइज के 1 प्याज डालेंगे और 2 हरी मिर्च डालेंगे। बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, यहाँ पे हल्दी डालेंगे। अब थोड़ा सा पानी डालकर, मसाला ना जले इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर पानी डाले हैं,
और इसके बाद हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। तो यहाँ पे वो तीखा नहीं होता इसलिए 1 टीस्पून डालें। यहाँ 1/2 टीस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा पानी और डाल के मसाला को अच्छे से भूनेंगे। सबसे सीक्रेट मसाला हम लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ पे 1 टीस्पून भर के डालेंगे हमारा सांभर मसाला। इससे फिलिंग एकदम टेस्टी सा बन जाता है। और 10 से 12 यहाँ पे करी पत्ता डालेंगे, लास्ट में डालेंगे क्योंकि ये करी पत्ता जले नहीं। अच्छे से मसाले को भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 10 पीस उबले हुए आलू को छोटे छोटे पीस में अच्छे से मसल लेंगे। आलू का साइज छोटा था इसलिए 10 पीस दिए हैं, तो ये बस 200 ग्राम से 250 ग्राम के लगभग आलू होगा। तो सभी को मसाले के साथ अच्छे से 4 से 5 मिनट भूनेंगे और टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। अब भूनने के बाद हम गैस को ऑफ करेंगे, इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तो हाथों में तेल जरूर लगा लीजिए, इससे हाथों में चिपकेगा नहीं। अच्छे से गोल कर लेंगे शेप, देखिए हाथ में थोड़ा सा भी नहीं चिपकेगा। और इसको टिकिया के शेप में डालकर सभी को बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हम 4 कटोरी लिए हैं, उसमें हम तेल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इस ग्रीस करके इसको रखेंगे साइड में। अब यहाँ पे पतीले में पानी डालें, इसके अंदर एक छन्नी डालकर ढक के पानी को एक उबाल आने देंगे। अब यहाँ पे बैटर में नमक मिला के रख लिए हैं। अब सभी बॉल में एक एक बड़ा चम्मच से एक एक चम्मच बैटर डाल देंगे। सभी चारों बॉल में बैटर डाल देंगे। बैटर के ऊपर एक एक टिकिया डाल देंगे। सभी चारों बॉल में एक एक टिकिया ऊपर से डाल देंगे और चम्मच से फिर हम भर भर के एक एक चम्मच बैटर उसके आलू के ऊपर ब्लैक टिकिया के ऊपर डाल देंगे। और सभी बॉल को पानी के अच्छे से उबाल हो चुका और यहाँ पे स्टीम करेंगे। तो 10 से 15 मिनट यहाँ पे स्टीम करेंगे और इसको चेक जरूर कर लीजिएगा कि ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है। उसके बाद निकाल कर ठंडा करेंगे और ठंडा करके चाकू से चारों साइड से छुड़ा लेंगे और इसको हम बाहर निकालेंगे। इसी तरह भी खा सकते हो और इसको और ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाना है तो पैन में हम यहाँ पे डाले हैं 1 टीस्पून तेल और यहाँ पे डालेंगे राई और हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और सभी नाश्ते को उसमें मसाले के साथ अच्छे से कोटी कर लेंगे। चारों साइड से अच्छे से घुमा कर कोटी कर लेंगे और दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी करके सेक लेंगे और ये टेस्टी सा नाश्ता बनकर रेडी हो गया। इसको बच्चों को लंच बॉक्स में डालिए और सुबह के नाश्ता या डिनर में इसको आप सर्व कर सकते हैं। एकदम टेस्टी सा नाश्ता बनके रेडी है, खाइए और एंजॉय कीजिए। अभी तो मेरे चैनल पर पहली बार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा। ये देखिए आपको तोड़ के भी दिखा दिए, कितना टेस्टी सा देखने से ही लग रहा है। एकदम हेल्दी नाश्ता बनके रेडी हुआ, खाइए और एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल पर अभी तक बने रहे इसके लिए थैंक यू।